हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन सो ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है फॉर ऑल दी एम बी एक्सपीरियंस बिकॉज आज हम इस वीडियो में काफ़ी खास कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं नाम से आपको पता चल ही क्या होगा जे बी आई एम एस ऑल्सो नोन एज जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज द सी ओ मेकिंग फैक्ट्री आज हम इस वीडियो में इस कॉलेज के ना सिलेबस के बारे में कवर करेंगे hmm. ना इस कॉलेज के पेपर पैटर्नस के बारे में बात करेंगे बल्कि हम इस कॉलेज के ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये कॉलेज सच में वर्थ इट है या नहीं कैसी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है कैसे फैकल्टीज आपको देखने को मिलते हैं और कैसे प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं है इस इस कॉलेज से ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो अगर आपका सपना है कि जे बी एम एस से अपना एम बी ए परस्यू करना तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाले सो स्टेट मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिनका सपना है जे बी एम एस से एम बी ए परस्यू करना

यू कैन कॉन्टैक्ट आर नंबर डबल एट टू एट फाइव एट वन फोर फाइव फाइव या फिर फाइव फोर फर द्लास रूम कोचिंग यू कैन विजिट आर सेंटर्स वसई दादर थाने बोरेवली अंधेरी और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी चल रहा है आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो इसलिए आप हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सर्चेस टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक रिगार्ड्स ऑफ द बचेज ऑफ जॉइन यू विडेड विद द वीडियो लेक्चर्स फुल एंड सेक्शन मॉक टेस्ट बुक्स एंड बुक्स मेटरशिप स्ट्राटेजीज एंडल मो थिंग्स

ये हमेशा से टॉप टेन में रैंक करता है विद अ लेगेसी स्पैनिंग ओवर द 52 टू यर्स इंडिया फर्स्ट फुल टाइम टू यर्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ वो स्टार्टेड इन जे बी आई एम एस अंडर द स्टीवशिप ऑफ लेट डॉक्टर के एस बास्को तो ये सबसे पहला इंस्टीट्यूट था जिसने फुल टाइम टू ईयर मास्टर्स इन मैनेजमेंट एम एम एस यहाँ से आपको एम एम एस की डिग्री मिलेगी विच इज़ इक्वी वेल टू योर एम बी ए तो ऐसा मत समझना कि एम नहीं है तो ये डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है इट इज़ इक्विवेलेंट टू एम और इसको सी मेकिंग फैक्ट्री भी कहा जाता है इस कॉलेज को बिकॉज यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं वो कहीं ना कहीं आज के डेट में एज अ सी काम कर रहे हैं तो यू कुड बी द नेक्स्ट सी इन द मेकिंग अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो द इंस्टीट्यूट हैज़ फुल टाइम फैकल्टी इन कोर मैनेजमेंट डिसिप्लिन एंड फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट द इंस्टीट्यूट ऑल्सो हैज़ अ पैनल ऑफ एमिनेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स एंड सीनियर प्रैक्टिसिंग इंग मैनेजर फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट तो यहाँ पर आपको गेस्ट लेक्चर्स इंडस्ट्रियल विजिट्स सारी चीज़ें काफ़ी ऑफन देखने को मिलेगी जे बी आई एम एस ऑफर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो में द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट विद द कमर्शल हब ऑफ इंडिया इज़ एन एडेड एडवांटेज हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वो कोई टॉप कॉलेज से अपना एम बी ए परस्यू करे और जे बी आई एम एस अगर आपके पास है ऑप्शन में तो आपको और कोई कॉलेज देखने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ये आपको टॉप नॉच एजुकेशन तो प्रोवाइड करता ही है उसके साथ साथ टॉप टॉप नॉच फैकल्टीज टॉप नॉच फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेसमेंट्स ये सारी चीज़ें आपको जे बी एम एस से देखने को मिलती है वी टॉक अबाउट दी प्रोग्राम्स ऑफर्ड तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ये ऑफर करते हैं इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम जो कि मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं एम एम एस मास्टर्स ऑफ साइंस इन फाइनेंस मास्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एम इसको लेकर हमने एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाया है अगर आप एम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो ह्यूमन रिसोर्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो फिर ये ऑफर करते हैं पार्ट टाइम एम डिग्री प्रोग्राम पी प्रोग्राम इन मैनेजमेंट स्टडीज़ अगर आप डॉक्ट्रेट लेवल पर कुछ करना चाहते हो रिसर्च लेवल पर तो दे ऑल्सो हैव पी प्रोग्राम दैन दे हैव मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड देन दे हैव कस्टमाइज मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम काफ़ी सारे कोर्सेज ये ऑफर करते हैं अगर कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देव स्पेशन्टीन होस्टल फैसलिटीज़ भी ये प्रोवाइड करते हैं आपको एक वेल इक्व लाइब्रेरी है इनके पास जहाँ पर आपको रिसर्च डेटा के लिए काफ़ी सारा मटीरियल मिल जाएगा और काफ़ी पुरानी किताब भी इनके पास अवेलेबल है इनके लाइब्रेरीज में तो आप वो सारी चीज़ों का भी आप फ़ायदा ले सकते हो इनकी कैंपस लाइफ काफ़ी वाइब्रेंट आपको देखने को मिलेगी काफ़ी सारे इवेंट्स ये कंडक्ट करवाते हैं अपने कैंपस में तो आप उन सारी चीज़ों का भी पार्ट बन सकते हो एंड दे ऑल्सो हैव रिसर्च लैब्स एज वेल वाई टू जॉइन जे सबसे पहली बात तो इसकी फ़ी स्ट्रक्चर कंपेयर टू अदर बी स्कूल्स काफ़ी कम है वो हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं ये भी एक रीजन होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस कॉलेज को ज्वाइन करते हैं बट जो इनका क्राइटेरिया है ये सी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं महाराष्ट्र जो सी होती है उसका स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं और इसके थ्रू अगर आप जानना चाहते हो तो आपका जो पर्सेंटाइल होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन में सी के एग्जामिनेशन में वो हमेशा टॉप नॉच होना चाहिए फिर यहाँ पर आपके पर्सनटाइज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए सेकेंड इट इज़ लोकेटेड इन दार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में लोकेटेड है एंड मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इट इज़ इन दी हार्ट ऑफ कैपिटल कनेक्टिविटी हर जगह से आपको अच्छी मिलने वाली है इस कॉलेज के लिए एंड इट हैज़ अ डिस्टिंग्विश्ड बेस काफ़ी बड़े बड़े लोग जो कि आज सी की पोजिशन पर हैं काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के जो ओनर्स हैं वो इस कॉलेज से पास आउट हुए हैं तो आपको एक काफ़ी एक तगड़ा एलुमनाई बेस भी देखने को मिलता है अगर इवेंट्स की बात की जाए कैंपस में देन दे हैड अ गेस्ट लेक्चर बाय मिस संस्कृति दावले हु इज़ अ सीईओ एट थिंकर बेल लैब्स बिजनेस फॉर सोशल इम्पैक्ट देन दे ऑल्सो हैड अ गेस्ट लेक्चर बाय मिस्टर ऋषि पाडल सी ओ एंड एम डी एट यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड स्ट्रेटी मार्केटिंग चॉइस टू ड्राइव लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन एंड दे हैड अ गेस्ट सेशन विथ मिस्टर रामलिंगम एस चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इन कॉइन डी सी एक्स ग्रोथ मार्केटिंग के लिए तो ये सारे गेस्ट लेक्चर्स ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको गेस्ट लेक्चर देंगे आपके कैंपस में आकर तो इससे बढ़िया चीज़ आपको और क्या चाहिए कि जो इंडस्ट्री में फिलहाल काम कर रहे हैं वही आपको गेस्ट लेक्चर आपके कैंपस में आकर देंगे वो आपको एक तरीके से रेडी करेंगे बिफोर यू गो इन द इंडस्ट्री वो आपको इंडस्ट्री रेडी करके रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होने वाला है बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जे बी एम एस में एडमिशन ले लोगे अगर स्टूडेंट बॉडीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारी कमेटी है जिसका आप पार्ट बन सकते हो यहाँ से भी आप अच्छा खासा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हो इंडस्ट्री वाइज भी सच एज एलुमनाई कम एलुमनाई कमेटी कॉपरेट रिलेशन कमेटी कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी ऑन्टरप्रोनोरशिप सेल का इंफ्राटेक कमेटी इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस नेक्सस प्लेसमेंट्स कमेटी स्ट्रेटजम स्टूडेंट एकेडमिक कमेटी द कैटलिस्ट फोरम पब्लिक रिलेशन कमेटी और भी सारी कमेटीज़ हैं जिनका पार्ट बन सकते हो ये सारी चीज़ें आपको इंडस्ट्री में जब आप कॉलेज से बाहर पास आउट होकर निकलोगे ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है और अगर इसकी फ़ीस और प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो फ़ी स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले देखा था कि ये काफ़ी ज़्यादा कम फी स्ट्रक्चर में आपको दो साल का एम प्रोग्राम ऑफर करने वाले हैं जहाँ अगर दूसरे बी स्कूल्स की बात की जाए तो उनकी फ़ी स्ट्रक्चर लगभग टेन टू ट्वेल्व लैक्स की होती है ये सिक्स लैक्स में आपको दो साल का एम प्रोग्राम, प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे तो बजट फ्रेंडली भी है आप इसको इजीली टारगेट कर सकते हो और अगर प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो ये आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हायस्ट प्लेसमेंट पैकेज 35.75 फाइव पॉइंट सेवन फाइव लैक्स पोरा एन एवरेज ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो टू लैक पोर एनम और मीडियम ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स जीरो लैक्स पोरा एन तो अगर आप हाइस्ट प्लेसमेंट भी टच नहीं कर पाते हो देन टू आप ट्वेंटी लैक्स अबाव के रेंज में यहाँ से पैकेजेस लेने वाले हो विच इज अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ सिक्स लैक्स यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे आपके दो साल के लिए और मोर देन ट्वेंटी लैक्स आप यहाँ से रिटर्न में लेने वाले हो तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपका फ्यूचर काफी अच्छा सेट होने वाला है और जे बी एम एस इज नोन एज दी ओ सी ओ मेकिंग फैक्ट्री हो सकता है कि आप नेक्स्ट सी ओ इन द मेकिंग बिकॉज आपको ये सारे इंडस्ट्री टॉप शॉर्ट्स के साथ काम करने को मिलता है सच एज डेलॉइड ड्यूश बैंक इन्फोसिस जेपी मॉर्गन विप्रो सैमसंग डेल गूगल एमेज़ोन स्नाइडर आई बी एम सिसको एयरटेल सी जे सी बी तो ये सारी जो इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनीज़ हैं आज जिनका नाम है मार्केट में आप इनके साथ काम कर सकते हो और ये प्लेसमेंट्स के लिए आपको डेफिनेटली रेडी करके ही भेजेंगे कि आप 100% परसेंट यहाँ से प्लेसमेंट्स लेकर जाओ और इनका रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से इनका 100% परसेंट बैच प्लेस्ड होता ही होता है तो आपके पास काफ़ी अच्छा चांस है अगर आप नेक्स्ट ईयर एम के लिए प्लान कर रहे हो और आप जे के लिए भी प्लान कर रहे हो आपको इस कॉलेज को डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए क्योंकि ये पैकेजेस आपके भी हो सकते हैं ये इंडस्ट्रीज़ में आप भी काम कर सकते हो एंड यू कुड बी द नेक्स्ट सी इन द मेकिंग सो दैट्स पेडी मच इट फॉर द वीडियो गाइस आई होप ये वीडियो के बाद आपको जे के बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी हो गई होगी कि क्यों आपको जे टारगेट करना चाहिए और क्यों लोग इतना ज्यादा इंफोसाइज करते हैं जेबीएमएस जाने के लिए शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी सो दैट्स पीडी मच इट फॉर द वीडियो इन द नेक्स्ट वन